नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट 3 चल रही है और यह टेस्ट 3 संख्या 21 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट 3 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। मित्रों, यह जो पूरा पीडीएफ है यह 5500 वन लाइनर सीरीज है इसमें और 1375 एमसीक्यू है। यह सीरीज का जो प्राइस है 300 है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर शो हो रहा है, तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, 300 का पेमेंट करिएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यह पीडीएफ में 5500 वन लाइनर और 1375 एमसीक्यू है, कुल 817 पेज का पीडीएफ है, तो बहुत ही बढ़िया है। झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए और अन्य आगामी भर्ती के लिए भी उतना ही यूजफुल है। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 21, आगे शुरुआत करते हैं। प्रश्न 276 देखिएगा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में, विकल्प सी। प्रश्न 277, 1857 की क्रांति का तात्कालिकरण क्या था? तो यह था एक नई इनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गई गोलियों का उपयोग। मतलब पहले ब्राउन बेस बंदूक चल रहा था और ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा था और यही तात्कालिकरण था। प्रश्न 278 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था, विकल्प सी। प्रश्न 279 देखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था, विकल्प सी। प्रश्न 280, आर समाज के संस्थापक कौन थे? आर समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, विकल्प बी। प्रश्न 281, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने किया था, विकल्प बी जो है शायद सही है आपका। प्रश्न 282, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था? पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। प्रश्न 283 देखिएगा, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने, विकल्प बी। प्रश्न 284, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? किसने दी थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न 285 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रगामी संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 286 देखिएगा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 287, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो एनी बेसेंट। प्रश्न 288 देखिएगा, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद सेन। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे वर्ष 1870 में? तो वह केशव चंद्र सेन, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 289, कोमागाटा मारू क्या था? कोमागाटा मारू क्या है? तो एक बंदरगाह है कोमागाटा मारू, विकल्प बी जो है आपका सही है। 290 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े हुए थे? तो कौन नहीं जुड़े हुए थे? भारतेंदु हरिश्चंद, विकल्प डी। प्रश्न 291, बुड का डिस्पैच किसके बारे में था? तो शिक्षा के बारे में था बुड डिस्पैच, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 292 देखिएगा, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 293, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। प्रश्न 294 देखिएगा, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग फ्रूट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? 1908 में। प्रश्न 295, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। प्रश्न 296, वेदों की और लोटो यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। प्रश्न 297, आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। 298, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मी सभा की शुरुआत किसने की थी? आत्मी सभा की शुरुआत हुई थी राजा राम मोहन राय ने किया था।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप लोग बिल्कुल यह सीरीज ले लीजिएगा। 300 इसका प्राइस है, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है दिया हुआ है, मैसेज करिएगा, यह पीडीएफ पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएगा 300 का। ठीक है, ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।